नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुंगेर में बेउर जेल से आए 10 कैदियों पर AK-47 मामले में आरोप गठित। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। मंगलवार को AK-47 से जुड़े मामले में पटना के बेउर जेल में बंद 10 बंदी की पेशी ADG 7 विपिन बिहारी राय के कोर्ट में हुई। न्यायालय ने सेशन बाद 294A/21 में अभियुक्त मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इरफान, पुरुषोत्तम लाल रजक, उनके पुत्र शैलेंद्र रजक, उनके पत्नी चंद्रावती देवी, सुरेश ठाकुर, शमशेर आलम उर्फ शमसाद उर्फ बीरो, मोहम्मद मंजर, रिजवान बेगम एवं नियाजुर रहमान पर आरोप गठित किया गया है। सभी आरोपी इस मामले के अलावा NIA कोर्ट पटना के वाद संख्या 8/2018 एवं 31/2018 में नामजद होने के कारण बेउर पटना में बंद है। बताते चले कि सर्वप्रथम जमालपुर पुलिस ने 29 मार्च 2018 को गश्ती के दौरान मोहम्मद इमरान को 3 AK-47 के साथ हिरासत में लिया था। अनुसंधान उपरांत पुलिस ने कई AK-47 एवं AK-47 का पार्ट बरामद किया था। सभी बंदियों को पटना बेउर जेल से मुंगेर ADG 7 के कोर्ट में हुई पेशी। इत्यादि मुंगेर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। 10 को चार्ज अंडर सेक्शन 379/34 IPC 440/34 IPC 120B/34 ऑफ IPC में तथा आर्म्स एक्ट के 25(1-BA)-35 25(1-A)-35 25(1-AA)-35 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया और इनमें 39 ऑफ UPA एक्ट में भी सभी 1900 अभियुक्त का आरोप गठन किया गया। सही चला। इस केस में कुल 27 AK-47 तथा अन्य उपकरण एवं अन्य प्रतिबंधित शस्त्रों बरामदगी की गई है तथा इसमें कुल 20 अभियुक्त में से एक अभियुक्त पवन मंडल जो अभिलेख से पृथक होकर फरार है तथा अभी तक कुल 19 अभियुक्तों का आरोप गठन किया गया। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? आज के बाद इस अभिलेख में साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया है जो अगली तिथि में सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना गवाही देगा। अपना नाम और पद बता दें सर। धीरेन्द्र कुमार, अपर लोक अभियोजक मुंगेर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।